तोहर गलती बदलती अब एक दिन हमारे खातिर अब जहियो हो महीना रह। हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कहाँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप भी इस टाइप का वीडियो एडिट करना चाहते हैं विक्रम भाई जैसा, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सिखाएंगे कैसे एडिट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पहले दोस्तों वीडियो कैसे शूट कर लीजिएगा, देख लीजिए मैं कैसे शूट किया हूँ, ऐसे आप भी शूट कर लेंगे तो अच्छे तरह से एडिट कर पाएंगे। वीडियो को स्किप करिएगा दोस्तों तो नहीं समझ पाएंगे कैसे वीडियो को एडिट किया जाता है। इस वीडियो में जो भी मटेरियल लगेगा दोस्तों उसका टेलीग्राम के लिंक दे देंगे दोस्तों, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी के ऑन कर लीजिए। कितना भाई लोग है वीडियो देखते हैं बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, नहीं सपोर्ट करते, भाई लोग प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है भाई आप लोग सपोर्ट करिए। बिना देरी के वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका मोबाइल को होम स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैप कैट है, यहाँ पे VPN है। सबसे पहले VPN को कनेक्ट करना है मोबाइल फोन से, VPN पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या करना होगा, यहाँ कनेक्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है, मोबाइल फ़ोन आपका VPN से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सर्वर देख लीजिए कौन सा अच्छा सर्वर पकड़ रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। ग्रीन आता है तो अच्छा चलता है दोस्तों मोबाइल। यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से कैप कैट टाइप को ओपन कर लेना है। कैप कैट को ओपन करिएगा दोस्तों तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। उस क्लिक करके आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेना है, फोटो फाइल में चला जाना है, एक बैकग्राउंड यहाँ ले लेना है। चलिए दोस्तों एक मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ यही एक बैकग्राउंड लगाएंगे, इसमें फिंगर का मदद से इसको जूम करके पूरा फुल स्क्रीन में अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने से पहले बता दूं दोस्तों इसको नीचे में स्क्रॉल करके भगाइएगा, इस पे जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से साइज अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। एडिट पर जाकर यहाँ से 9x16 पर क्लिक करके इसका साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फोटो पर टच करिएगा, दोनों फिंगर से जूम करके इसको यहाँ पर लगा देना है, इसको 10 से 12 सेकेंड कर लेना है। चलिए 12 सेकेंड हो गया, लास्ट में आ जाना है जो एंड लिखा हुआ है, इस पर टच करके राइट साइड से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जाना है ओवरले का ऑप्शन में दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ओवरले लिखा हुआ है, ओवरले पे आपको क्लिक करना है, फिर एड ओवरले में जाना है, जो वीडियो आप शूट किए हैं दोस्तों वो वीडियो ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों वो वीडियो को मैं ले लेता हूँ, यहाँ वीडियो को मैं यहाँ से दोस्तों ऐड कर स्क्रॉल करके भगाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों एक कट आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, कट आउट में आपको जाना है दोस्तों। कट आउट में जाने के बाद यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, रिमूव बैकग्राउंड पे इसको क्लिक कर दीजिएगा तो इसका जो वीडियो का आपका बैकग्राउंड होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर दीजिएगा, सेव करके उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले फिर एड ओवरले में जाना है, जो सॉन्ग पर आप एडिट किए हैं वो सॉन्ग को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऑडियो पर क्लिक करिएगा दोस्तों, इसका ऑडियो यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा बैक हो जाना है, उसके बाद ऊपर में क्लिक करना है, जो वीडियो का ऑडियो निकाले थे वो वीडियो यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करके ऐसे देख लेना है मैच कर रहा है कि नहीं, इसमें तोहरा गलती पर गलती हम सहत बनी। यहाँ पे आ जाना है दोस्तों, थोड़ा फिंगर से इसको जूम कर दीजिएगा, थोड़ा एडिट करने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइएगा जहाँ पे हम हाथ घुमा रहे हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करना है। कैसा करना है दोस्तों, एड ओवरले में जाना है दोस्तों, वो फ़ोटो को यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वो ये वाला फ़ोटो है दोस्तों, मैं इसको ऐड करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको इधर में आएंगे, तो मार्क्स का ऑप्शन में जाना है दोस्तों, मार्क्स में जाइएगा। मार्क्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मिरर लिखा हुआ है, यहाँ सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, देख लीजिए इस पे आपको टच करना है। टच करने के बाद इसको लेके यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, ऐसे दोनों एरो आई से रेड कलर आना चाहिए दोस्तों, तब इसको यहाँ पे यहाँ से सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, इतना छोटा करके यहाँ पर इसको सेव कर देना है। उसके बाद नीचे में स्क्रॉल करके इसको भगाइएगा, इधर में दोस्तों इस साइड में आइएगा, यहाँ एनिमेटिक का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा एक एनिमेटिक लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इन वाला ऑप्शन में जाना है। अब ऑटोमेटिक इन आ जाता है। अरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फर्स्ट वाला पर क्लिक कर देना है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आकर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कर दीजिएगा पहले जो लोगो लिया है इस पर टच कर दीजिएगा। टच करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक प्लस का आइकन बना हुआ है, इस चाबी पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़िएगा, थोड़ा आगे बढ़ के फिर प्लस पर क्लिक करिएगा। जैसे हाथ मूवमेंट करेगा वैसे हाथ पर इसको लेके आना है, थोड़ा बड़ा कर देना है, फिर थोड़ा आगे आ जाना है, थोड़ा बड़ा कर देना है। ऐसे थोड़ा पीछे जा रहा है तो थोड़ा छोटा करिएगा, हाथ आपका पीछे जा रहा है तो छोटा करिएगा हाथ पर, इसको जाने दीजिएगा। ऐसे आपको जाने देना है, फिर लास्ट में आ जाना है, मुट्ठी मुड़ रहा है यहाँ पर छोटा करके इसको यहाँ से इतना पर कर देना है लास्ट में। फिर इधर में स्कोर करके भगाइए, फिर एनिमेटिंग में जाना है दोस्तों। एनिमेटिंग में इसमें जाकर आपको क्या करना होगा, इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आउट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है दोस्तों, जब लास्ट वाला होता है उसको आउट बोलते हैं। आउट पे जाइएगा, ये फर्स्ट वाला को पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो ये सेव हो जाएगा हाथ में, देख सकते हैं। एक दिन हमारे खातिर यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या करिएगा, इस प्लस पे जाना है दोस्तों। प्लस में जाने के बाद फिर यहाँ से एक फ़ोटो लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये वाला फ़ोटो ले लीजिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला दोस्तों, एक फ़ोटो लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आ जाएंगे मार्क्स का ऑप्शन में दोस्तों। किधर गए मार्क्स, पहले इसको क्रॉपिंग कर देना है दोस्तों, ज़्यादा स्टार पार्ट है इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद एडिट का ऑप्शन में आना है दोस्तों, एडिट में आ जाना है गाइज। एडिट में आकर इसको क्रॉपिंग में जाकर इसको पहले इसको क्रॉप कर लीजिएगा, केवल ब्लैक कलर रहना चाहिए। सबको क्रॉपिंग कर दीजिएगा, वाइट वाला को यहाँ से इसको ऐसे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है, बैक हो जाने के बाद इधर में आना है, इस साइड में देखिएगा एक कट आउट का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। कट आउट में आपको जाना है दोस्तों, यहाँ पे कट आउट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद राइट साइड में क्रोमा की का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर रिंग बना हुआ है, इसको ब्लैक वाला पर करके इस पर टच करिएगा। इस पर टच करके यहाँ से क्रोमा की कर दीजिएगा, वो ब्लैक है ना वो सब रिमूव हो जाएगा, यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद फिंगर का मदद से इसको छोटा कर देना है, छोटा करके इस हाथ का सामने इसको लाना है, एकदम छोटा कर दीजिएगा। यहाँ से थोड़ा बैक हो जाइए, बैक हो जाने के बाद आपको फिर एनिमेटिंग में जाना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टिंग में चल जाना है, चल जाना है, फर्स्ट वाला को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, स्टार्टिंग में आ जाना है इसके लोगों का। उसके बाद प्लस पे फिर क्लिक करना है दोस्तों, ये चाबी वाला पे चाबी लगाते जाना है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़िएगा, फिर जैसे हाथ मूवमेंट करेगा वैसे इसको ले कर आइएगा, ऐसे ले कर आइएगा, थोड़ा इसको बढ़ा दीजिएगा ऐसे, फिर थोड़ा ऐसे बढ़ाइएगा, फिर चाबी लगाते जाइएगा, ऑटोमेटिक लगेगा हाथ के, जैसे हाथ मूवमेंट करेगा वैसे आपको ही इसको मूवमेंट करना है। थोड़ा फिर छोटा कर दीजिएगा, फिर छोटा करके हाथ के सामने इसको करके थोड़ा इधर जा स्टार आए कट कर लेंगे, फिर आ जाएंगे इसका स्टार्टिंग में। अब इस हाथ में इसे सेट करना है तो फिर एड ओवरले में जाना है दोस्तों। उसके बाद ये हाथ में एक हार्ट का मतलब दिल का नहीं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद एड पर क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करने के बाद इसको स्कोर करके भगाइएगा। इधर में देखिएगा मार्क्स का ऑप्शन में जाना है दोस्तों, यहाँ से मार्क्स में चला जाना है गाइज। मार्क्स में जाने के बाद इसको स्कोर करके भगाइएगा, यहाँ दिल वाला आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है दोस्तों। दोनों फिंगर से इसको जूम करके जितना बड़ा दिल होगा उतना बड़ा कर लेना है इसको, थोड़ा इतना बड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद इसको एरो पर सेव कर देना है, थोड़ा छोटा करके फिंगर का मदद से छोटा करके इस हाथ का सामने इसको सेट करना है यहाँ पे। उसके बाद स्कोर करके भगाइएगा, फिर एनिमेटिक में जाना है। एनिमेटिक में यहाँ पे दोस्तों एनिमेटिक वाला ऑप्शन में जाना है गाइज। एनिमेटिक में जाके फर्स्ट वाला
सेलेक्ट करना है, फिर स्टार्टिंग में आ जाना है इसका। आ जाने के बाद फिर चाबी पर क्लिक करना है, की फ्रेम पर क्लिक कर दीजिएगा। थोड़ा आगे बढ़िएगा, जैसे हाथ मूवमेंट करेगा, हाथ का सामने लेके ऐसे लेके आते रहिएगा। थोड़ा बड़ा कर दीजिए इसको, फिर थोड़ा हल्का और बड़ा कर दीजिएगा, फिर ऐसे बड़ा करते जाइएगा। हाँ, जैसे उठ रहा है वैसे भी इसको भी उठाना है, और हाथ जैसे मुट्ठी मुड़ रहे हैं वैसे भी इसको वैसे इससे आपको ऐति कर देना है। उसके बाद ऐसे सेफ हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टार्टिंग में फिर आ जाना है वीडियो का। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, दोस्तों ये जहाँ उठा कर रहे थे यहाँ पे एक स्टिकर लगाना है दोस्तों। यहाँ से बैक हो जाना है, बैक हो जाने के बाद इधर में देखिएगा स्टिकर का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, आपको स्टिकर पे क्लिक करना है गाइज। स्टिकर पर क्लिक करिएगा तो बहुत सारा यहाँ पे स्टिकर मिलेगा लगाने के लिए। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है दोस्तों, वेट कर लेते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बहुत सारा यहाँ पे स्टिकर आ गया। अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगेगा फिंगर का सामने वो लगाना है दोस्तों। चलिए मैं ये वाला को लगाता हूँ, इसको यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको फिंगर का सामने इसको बीच में कर देना है। इसको स्टार्टअप आठ है इतना, इसको छोटा कर लेंगे फिंगर से इधर से खींच के। ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इतना बड़ा रखेंगे बहुत है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है उतना लिखना है। तो हो रहा गलती, तो यहाँ पे टैक्स पर जाना है दोस्तों। टैक्स में जाके इसमें लिख देना है, तो हो रहा इतने लिख देना है। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पे बहुत सारा फंड मिलेगा आपको दोस्तों लगाने के लिए। सबसे अच्छा फंड बता रहे हैं दोस्तों कौन सा लगाना है यहाँ पे। यहाँ लव वाला फंड है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लव लिखा हुआ है। लव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है दोस्तों, यहाँ पे इफेक्ट पर चला जाइएगा। इफेक्ट पर जाने के बाद इसमें बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा लगाने के लिए। इधर में देख लीजिए दोस्तों, मैं यही वाला लगाएंगे। इसको थोड़ा फिर दोनों फिंगर से जूम करके इतना बड़ा करके इसको यहाँ पे लगा लेना है। लगाने के बाद एनिमेटिंग में चल जाना है। एनिमेटिंग में जाने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन है, इन जूम। इन जूम पर जाके ये एरो है दोस्तों, इसको एकदम 1 पॉइंट पर कर देना है दोस्तों, 1.1 पर कर देना है। उसके बाद स्कोर करके इधर भगाइएगा, ये ज़्यादा स्टार्टअप आठ है, इसको भी कम कर लेना है इधर से। इधर से इतने रखना है दोस्तों, तो आपका वीडियो ऐसे बनकर तैयार होगा। जैसे गर्दन उठा रहे हैं तो उसके बाद लड़की का उस फोटो ऊपर में लगाना है। उसके लिए क्या करना होगा, फिर इधर बैक आ जाने के बाद यहाँ एड ओवरले का ऑप्शन में जाइएगा। एड ओवरले में जाकर यहाँ से एक लड़की का कोई सा फोटो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं ये फोटो को ऐड करेंगे यहाँ पे। थोड़ा फिंगर से मदद से इतना बड़ा कर लेंगे। करने के बाद स्कोर करके आप भगाइएगा। इधर में देखिएगा मार्क्स का ऑप्शन है दोस्तों, मार्क्स पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। पहले वाले लेयर पर क्लिक कर देना है, इसको ऐसे फीदर दे देना है दोस्तों। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, इसे फीदर दे देना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है, और थोड़ा छोटा करके और ऊपर कर लेना है दोस्तों। इधर में कर दीजिएगा। करने के बाद आपको स्कोर करके भगाइएगा। लेयर वाला ऑप्शन में चला जाना है दोस्तों। यहाँ से यहाँ पे देखिएगा, एक लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। लेयर पे जाके इसको एक नंबर कर दीजिएगा। एक नंबर कर देंगे तो इधर बैक में चला जाएगा, चाहे दो नंबर करेंगे तो दिल के सामने रहेगा। हमको एक ही नंबर में अच्छा लग रहा है, तो एक नंबर में इसको कर दिए। उसके बाद ये वीडियो में ये सेव हो जाएगा। उसके बाद ये वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, जहाँ ले सॉन्ग होगा वहीं तक ले सेव करना। इतना स्टारा पार्ट है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। दिल पर क्लिक करके यहाँ पे स्पीड करके कट करके इसको भी डिलीट कर देना है, लास्ट वाला पार्ट को। उसके बाद वीडियो को यहाँ से सेव कर देना है। अभी छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, यहाँ से सेव हो जाएगा। पहले वीडियो एक्सपोर्ट कर लेने दीजिए गैलरी में। वीडियो सेव हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, डन कर देना है। यहाँ पे डन करने के बाद फिर न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, उसी वीडियो को फिर यहाँ पे लेके आना है दोस्तों। यहाँ पे लेके आने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों,
एक इफेक्ट डालना है, इफेक्ट के इफेक्ट वाला ऑप्शन में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, इफेक्ट पर क्लिक करिएगा, उसके बाद वीडियो इफेक्ट में जाना है दोस्तों। इफेक्ट पर जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ ब्यूटीफुल वाला है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाला ऑप्शन को डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, हो जाएगा। इसको यहाँ से सेव कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो में सेव हो जाएगा, यहाँ सेव हो जाएगा। उसके बाद वीडियो को दो पार्ट में यहाँ पे कट कर देना है दोस्तों। कट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इनमेटिक में चला जाना है। इनमेटिक में जाने के बाद आपको इस वाला ऑप्शन में जाना है, कमेंट में, कमिंग में, इस पे जाके एक इसको छोटा कर लेना है दोनों साइड से, इसको सेव कर लेना है। वीडियो आपका ऐसे बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसको सेव करने के लिए दोस्तों कोने से यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो आपके दोस्तों बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के जरूर ऑन कर दीजिएगा। वीडियो में जो भी गलती हुआ होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।